हे फ्रेंड्स, वेलकम टू जावल टॉल फॉर बिजनेस। और आज हम बात करने वाले हैं स्टैक एंड हीप इन जावा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट अपडेट्स ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस। कंसिडर कीजिए कि आपके जावा कोड में कुछ लाइन्स ऑफ कोड है जो M1 मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो तुरंत स्टैक में M1 मेथड का एक फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। अगर हमने M1 मेथड के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेट्स से x, तो स्टैक में M1 के फ्रेम में भी वो x वेरिएबल आ जाएगा। अब M1 एक मेथड M2 को कॉल कर रहा है, तो स्टैक में M1 के ऊपर M2 नाम की फ्रेम क्रिएट हो जाएगी। b एंड c वेरिएबल भी M2 के फ्रेम में प्लेस किए जाएंगे स्टैक के अंदर। नाउ सपोज M2 मेथड इज कॉलिंग M3, तो फिर से M3 नाम की एक फ्रेम स्टैक टॉप पे क्रिएट हो जाएगी। M3 अकाउंट क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है जिसमें दो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, P और Q। न्यू ऑपरेटर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा हीप में, रेफरेंस वेरिएबल REF स्टैक में क्रिएट होगा एंड असाइनमेंट ऑपरेटर विल मेक रेफरेंस वेरिएबल टू पॉइंट टू हीप। जैसे ही इस मेथड का एग्जीक्यूशन हो जाएगा, फ्लो ऑफ कंट्रोल कॉलिंग मेथड के पास चला जाएगा जो इस केस में M2 है। अब सिंस रेफरेंस वेरिएबल एंड मेथड M3 का कुछ काम नहीं है और ना ही रेफरेंस वेरिएबल हीप के किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, तो उसका फ्रेम स्टैक टॉप से फ्लश आउट हो जाएगा एंड वो गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल होगा। सिमिलरली जब M2 के सारे एग्जीक्यूशन हो जाएंगे, इट विल बी ऑल्सो पॉप्ड आउट ऑफ द स्टैक और उसके सारे वेरिएबल्स डिलीट हो जाएंगे। एंड सेम गोज फॉर M1, इट विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल फॉर एनी फर्दर एग्जीक्यूशन एंड इवेंचुअली फ्लो ऑफ कंट्रोल मेन मेथड को मिल जाएगा जो प्रोग्राम के स्टार्टिंग में होता है। सो या, दिस वॉज ऑल अबाउट स्टैक एंड हीप इन जावा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।